जियोमार्ट को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ग्रोसरी ऑर्डर करने वाली ऐप जिसने मात्र 3 सालों में ऑनलाइन बाजार में अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी, वो अपनी क्विक ग्रोसरी डिलीवरी एक्सप्रेस को बंद करने जा रही है। अब क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार में जानते हैं। रिलायंस ने साल 2020 में जियोमार्ट को लॉन्च किया था। उस समय देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। इसमें ज्यादातर प्रोडक्ट्स रिलायंस के अपने ब्रांड्स के होते थे जो डिलीवर किए जाते थे, लेकिन कंपनी को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कंपनी ने पिछले साल मार्च में क्विक डिलीवरी सर्विस को लॉन्च किया था। अब रिलायंस रिटेल की क्विक डिलीवरी सर्विस एक्सप्रेस को जान लीजिए। इस ऐप से कस्टमर्स को तुरंत सामान डिलीवर कर दिया जाता है, यानी प्रोडक्ट्स की डिलीवरी केवल 90 मिनट में कर दी जाती है। इस वजह से ग्राहकों को इस ऐप की आदत हो गई थी, लेकिन अब रिलायंस रिटेल ने चुपचाप बिना किसी ऐलान के अपनी क्विक डिलीवरी सर्विस को बंद कर दिया है। अब जियोमार्ट के क्विक डिलीवरी सर्विस एक्सप्रेस के कस्टमर्स का क्या होगा, ये समझने वाली बात है। जियोमार्ट के क्विक डिलीवरी सर्विस के कस्टमर्स अब जियोमार्ट एक्सप्रेस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर पाएंगे और इसकी वेबसाइट भी अब एक्टिव नहीं है। इस वेबसाइट पर आप जैसे ही जाएंगे, ये कस्टमर्स को सीधा जियोमार्ट व्हाट्सएप पर डाइवर्ट कर देगा। जियोमार्ट व्हाट्सएप सर्विस के जरिए कस्टमर्स कुछ घंटों में सामान की डिलीवरी तो ले पा रहे हैं, लेकिन कई बार ये एक दिन का समय भी लगा देते हैं। जियोमार्ट व्हाट्सएप सर्विस जियोमार्ट एक्सप्रेस की सर्विस से बिल्कुल अलग है, क्योंकि जियोमार्ट की सर्विस के जरिए प्रोडक्ट्स केवल 90 मिनट में डिलीवर हो जाती थी, लेकिन जियोमार्ट व्हाट्सएप सर्विस से एक दिन में डिलीवरी संभव हो पा रही है। हालांकि इसका मतलब ये कतई नहीं है कि डिलीवरी सर्विस एक्सप्रेस अब जियोमार्ट पर उपलब्ध नहीं होगी, बस 90 मिनट फास्ट डिलीवरी बंद कर दी गई है। बता दें, जियोमार्ट की व्हाट्सएप के जरिए मिलने वाली डिलीवरी सर्विस के पीछे मेटा इंक और रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स की पार्टनरशिप है। जियोमार्ट एक्सप्रेस की शुरुआत सबसे पहले नवी मुंबई और आसपास के इलाकों में की गई थी। रिलायंस रिटेल की योजना इसे बढ़ाकर 200 शहरों तक ले जाने की थी, लेकिन इस कदम से तो यही लगता है कि रिलायंस रिटेल इस तरह के बिजनेस में अब और नहीं रहना चाहती। अब जाते जाते रिलायंस की रिटेल सेक्टर में आने वाली सोच क्या है वो भी समझ लीजिए। जब देश लॉकडाउन में था, उसी दौरान रिलायंस ने जियोमार्ट लॉन्च किया था। धीरे धीरे रिलायंस रिटेल ने अपने ई कॉमर्स पोर्टल को बढ़ाया। अब ये एक पूरा ई कॉमर्स पोर्टल बन चुका है, जिस पर घरेलू सामान से लेकर फैशन और इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ मिलता है। आपको बता दें, फ्लिपकार्ट और अमेज़न दोनों थर्ड पार्टी वेंडर्स पर निर्भर हैं, लेकिन जियोमार्ट पर ज्यादातर प्रोडक्ट्स रिलायंस के अपने ब्रांड के हैं।